उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड समेत तमाम मुद्दों को लेकर पदयात्रा निकालने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारानी बताया कि पदयात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। बैठक में MICC सदस्य, PCC सदस्य, विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राहुल गांधी के आगमन पर कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। 1-7 तारीख को इसको लेकर बैठक है, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता, AICC के मेंबर, PCC के मेंबर, MLAs और कैंडिडेट्स, पूर्व मंत्री इत्यादि सभी को बुलाया गया है। वो उसमें सम्मिलित रहेंगे, स्वयं प्रभारी जी इसमें रहेंगे और उसमें तय होगा कि हमने आगे की रूपरेखा क्या करनी है। कुछ छोटी बैठकें भी होंगी, जैसे जिला स्तर पर जिला अध्यक्षों की बैठकें हैं, महानगरों की बैठकें हैं, उनमें अपने ब्लॉकों में मीटिंग्स लेनी है, किस तरीके से उसको पूरा हम फ्रेम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक राहुल गांधी की बात को हम पहुँचा पाएंगे और कैसे हम नफरत को हटाने के लिए मोहब्बत को जीता पाएंगे, ये उसके लिए बैठक है। और राहुल गांधी जी यहाँ आएंगे हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है और जिस तरीके से हमने हिमाचल और कर्नाटका जीता है, उसी तरीके से राहुल गांधी जी के आने से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में फर्क पड़ेगा।